नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज। सतना जिला पंचायत के सामान्य सम्मेलन में गूंजा घटिया सड़क निर्माण का मामला। डेढ़ घंटे में दो प्रस्ताव किए गए पारित। 15वें वित्त से 3.20 करोड़ के कार्यों को दी गई हरी झंडी। सतना पुलिस अधीक्षक ने पुलिस के ड्राइवरों को दी ट्रेनिंग। प्रोटोकॉल का पालन करने और वाहनों के मेंटेनेंस को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। रीवा संभाग में हत्या जैसी वारदातों में हुई वृद्धि। आईजी ने मीटिंग लेकर किया मंथन। किसानों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाया नारा, कहा मोदी जी आगे बढ़ो और किसान कानून लागू करो। इंदौर में सड़क हादसे का भयानक वीडियो आया सामने। सड़क पर गिरे शख्स को डंपर ने कुचल दिया। मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड। ज्यादातर जगहों पर 3 से 5 डिग्री के बीच है न्यूनतम तापमान। ग्वालियर के कुलदीप शर्मा ने युवा कांग्रेस चुनाव में सर्वाधिक 1888 मत प्राप्त कर ग्वालियर चंबल संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और मेरे छोटे भाइयों और मेरे साथ के सभी भाइयों ने जो मेरे लिए मेहनत की है और मुझे इतने मत चंबल संभाग में सर्वाधिक मत जो दिलवाए हैं, उन सभी लोगों को मैं विनम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे भी आप सभी लोगों के न सिर्फ वोट की बल्कि सपोर्ट की इसी भांति इच्छा रखता हूं। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार आपने मेरा साथ इस चुनाव में दिया है, आजीवन मेरा साथ दें। मैं दिन हो या रात आप सभी लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। मिशन बंगाल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट में किया जोरदार स्वागत। आज बीजेपी में शामिल होंगे शुभेंदु अधिकारी। 7 से 8 विधायक साथ में कार्यकर्ताओं के साथ कई राज्य सदस्य भी। बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को थमाया नोटिस। अगले आदेश तक कार्यवाही करने पर रोक। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की खींचतान के बीच राहुल गांधी के दोबारा अध्यक्ष बनने के संकेत। आज आला नेताओं के साथ बैठक करेंगी सोनिया गांधी। दिल्ली के सीमा पर जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसान को संबोधित किया। कृषि कानून पर सवाल उठाने वालों को दिया करारा जवाब। किसानों को प्रधानमंत्री के संबोधन पर राहुल ने साधा निशाना। बोले आदत के अनुसार आज फिर किया असत्याग्रह। चौबीसवें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के चारों ओर डटे हैं किसान। देश में पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए सामने। 338 लोगों की मौत। पार्टी नेताओं के साथ ममता बनर्जी की बैठक। चुनाव से पहले दिग्गजों के भागम भाग को लेकर माथापच्ची।
सिलीगुड़ी में चुनाव आयोग की बैठक, 5 जिलों के डीएम और एसपी के साथ हुई चर्चा। यूपी के धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगे जवाब, 4 जनवरी तक देना होगा जवाब। यूपी के किसानों को समझाने की मुहिम में जुटे केंद्र और योगी के मंत्री, मेरठ की किसान सभा में पहुंची स्मृति ईरानी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हंगामा, एनसीबी के 2500 करोड़ के किराए माफी मामले में आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। फीस को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी को हाई कोर्ट का आदेश, जितना फीसदी सिलेबस उतना ही फीस वसूल कर सकेंगे स्कूल। बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे सीनियर स्कूल, 15 दिन तक हालात देखने के बाद ही बच्चों के स्कूल पर होगा फैसला। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।